आज के डेट में अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इनके देश में जो जेन्युइन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। चाइना पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत एक छोटा मोटा सा अमाउंट सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाता है और अमाउंट वो अपने आप में इतना छोटा रहता है कि वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बस सऊदी अरेबिया एक फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहता है। इसी बीच अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो बीते कुछ सालों से पाकिस्तान अपने देश के जो भिखारी उसको भर भर के गल्फ कंट्रीज में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारे जो भिखारी हैं इनका गल्फ कंट्रीज में पहुंचने का मकसद ही होता है कि इनको वहां पे जाके भीख मांगना होता है। तो इससे क्या हो रहा कि वहां का जो माहौल है वो बेहद खराब हो रहा। इन्हीं सब को देखते हुए रिसेंटली सऊदी अरेबिया के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया जहां पे पाकिस्तान को बहुत ही सख्त लहजे में कहा गया कि आप अपने देश के जो भिखारी हैं इसको हमारे देश में ना भेजें, अगर आप किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो सऊदी अरेबिया बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। इस वीडियो में हम दो चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहला, सऊदी अरेबिया ने एग्जैक्टली पाकिस्तान को क्या कहा, और दूसरा कि पाकिस्तान में बैगिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को क्या कहा इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जान लेते हैं कि क्यों देश किसी भी तरीके से अपने देश के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उसको वो परमिट नहीं करते हैं। एक आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले और समझें कि आप यूएसए जाते हैं गलत डॉक्यूमेंट या इनवैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, तो वहां पे कभी भी आप जो मेन वर्कफोर्स है उसका आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जैसे ही कभी भी आप कोई कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं आप छोटे मोटे रोजगार का सहारा लेंगे, और उसके भी बाद अगर आपको रोजगार नहीं मिल पाता है तो आप क्राइम का सहारा लेंगे। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके देश में जितना ज्यादा इलीगल तरीके से लोग भरेंगे उतना ही ज्यादा आपके देश के अंदर का या उस पूरे एरिया का जो क्राइम रेट है वो बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा गल्फ कंट्रीज में, जहां पे क्राइम तो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा लेकिन वहां के सड़कों पे पाकिस्तान के जो बेगर्स हैं वो लोगों से बढ़ चढ़ के भीख मांग रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो गल्फ कंट्री का एक जो नेचुरल कल्चर या जो उनका तौर तरीका है वो कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिख रहा, जिसको कि कोई भी देश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो बेगर्स हैं वो सऊदी अरेबिया या अलग अलग गल्फ कंट्रीज पहुंचते हैं भीख मांगने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ऑलमोस्ट सभी सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सऊदी अरेबिया के बारे में तो सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना है, और मुझे लगता नहीं कि कहने की जरूरत है कि मक्का और मदीना का रिलीजन इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे जो भिखारी होते हैं वो जो अपना वीजा अप्लाई करते हैं वो उमरा वीजा अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब आप बहुत ही सिंपल शब्दों में आप ये समझ लें कि जो वीजा अप्लाई कर रहा वो सऊदी अरेबिया से ये कह रहा कि हम सऊदी अरेबिया विजिट करना चाहते हैं, और जो हमारा विजिटिंग का जो पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पज है, क्योंकि सामने वाला रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा। तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो बहुत बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया पिलग्रिमेज को प्रमोट कर रहा लेकिन उसी जो सपोर्ट है उसका इस्तेमाल कोई अपने तरीके से कर रहा, यानी कि गलत तरीके से कर रहा, और ये उमरा वीजा को इशू करवा के देश में घुसते हैं और उसके बाद सऊदी अरेबिया के बाद अलग अलग गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली बहुत ही सख्त लहजे में पाकिस्तान को वार्निंग दी है, जहां पे कहा गया है कि पाकिस्तान अगर अपने देश के भिखारी को भेजना बंद नहीं करेगा तो सऊदी अरेबिया उमरा और हज पे जाने वाले लोगों का जो वीजा है उसको इशू नहीं करेगा या तो किसी भी तरीके से उसमें रोकथाम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो बेकिंग इंडस्ट्री है ये अपने आप में एक बहुत ही वेल सेटअप इंडस्ट्री बन चुकी है। अभी इसके बारे में मैं कुछ देर में बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में बेकिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है। तो पाकिस्तान में जो ट्रेवल एजेंट्स होते हैं उनको पता होता है लूप होल्स के बारे में कि किस किस लूप होल का इस्तेमाल करके किस तरीके से पाकिस्तान के जो बेगर्स हैं इनको सऊदी अरेबिया भेजा जाए और उसके बाद अलग अलग गल्फ कंट्रीज में भेजा जाए। और क्योंकि ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है तो इसीलिए इसको ऑपरेट बहुत ही एक डीप लेवल तक किया जाता है, यानी कि जैसे कि नॉर्मली हम सुनते हैं एक माफिया सिस्टम, ऑलमोस्ट अलग अलग जो माफियाज है वो चलाते हैं। क्योंकि बीते कुछ सालों में इतने सारे जो बेगर्स है वो पहुंच चुके हैं गल्फ कंट्रीज को, तो जब सऊदी अथॉरिटीज या अलग अलग देश जब उनको पकड़ते हैं, जब उनको इंटरोगेट करते हैं, तो उनसे बहुत सारी जानकारियां निकल के आती हैं। तो उन्हीं सब जानकारियों को इकट्ठा करने के
बाद ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बिल्कुल पता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी क्योंकि उनको रोजगार देने में या किसी भी तरीके से जो बैकिंग इंडस्ट्री है उसको वो खत्म नहीं करना चाहती है। हो सके इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव भी हो, या बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में हो उनको भी किसी भी तरीके से कोई शेयर्स वगैरह जाते होंगे। तो इसीलिए भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से वो एक्शन नहीं लेते हैं इन बेगर्स के ऊपर। और ये एग्जैक्टली हमारे पास पाकिस्तान के ही मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज का डेटा है जो कहता है कि लगभग 90% या उससे भी अधिक जो गल्फ कंट्रीज में बेगर्स मिलते हैं या पाए जाते हैं या जो जेल में हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो यहां से भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो बेगिंग इंडस्ट्री है वो बीते कुछ सालों में फ्लरिश हुई है। ये हमारे सामने एक लेटेस्ट आर्टिकल है 27 अगस्त का, जिस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान में वैसे तो ऑफिशियली भीख मांगना किसी भी तरीके से परमिटेड नहीं है और इसको एक गैर कानूनी चीज माना जाता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एज एन कंट्री इनके पास करने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता है तो इसीलिए जो कानून व्यवस्था है वो अपने एकदम लचर स्थिति पे पहुंचा हुआ है। और जहां तक बात किया जाए बेगर्स के बारे में, तो जो भी बड़े बड़े कस्बे होते हैं, मार्केट होते हैं, वहां पे इनका प्रेजेंस आपको काफी देखने को मिलता है पाकिस्तान में। जहां पे अगर हम बात करें तो ये 42 बिलियन का बिजनेस बन चुका है एनुअली, और ये डेटा भी हमारे सामने लेटेस्ट है। तो यहां से भी आप समझिए कि कोई एक इंडस्ट्री उस देश में इस हिसाब से फ्लरिश कर रहा जहां पे उस देश की जो इकॉनमी है वो तबाह बर्बाद हो रही। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बेगिंग इंडस्ट्री है ये एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उन माफियाज के लिए। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके पाकिस्तान में भीख मांग सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा एरिया होता है वो कंट्रोल किया जाता है माफिया के द्वारा। और क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली भीख मांगना अलाउड नहीं है तो इसीलिए अगर किसी भी तरीके से अगर भिखारियों को पकड़ा जाता है तो उनको छुड़ाने के लिए वहां पे लॉयर्स वगैरह भी होते हैं। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस काम करता है। और साथ में पूरा का पूरा जो फैमिली है या उनका जो ट्राइब है वही भीख मांगने के जो प्रोफेशन है उसमें आ गए हैं। और इसी आर्टिकल के हिसाब से उनके पास आज के डेट में इतने पैसे आ गए हैं कि वो अब दूसरे को ब्याज पे पैसे दे रहे हैं। और बीते कुछ सालों में अलग अलग गल्फ कंट्रीज के जो जेल है वहां पे इतना ज्यादा पाकिस्तानी बेगर्स हो गए हैं कि उनको रखने के लिए वहां पे जगह नहीं। और शायद इसीलिए अगर आप किसी इंडिविजुअल ब्लॉगर्स का आप वीडियोस अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके लोग गल्फ कंट्रीज में उतरते हैं तो उनको बहुत ही सस्पिशियस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि उनका जो रेपुटेशन है वहां पे वो बेहद खराब हो चुका है। तो इसीलिए भी जो पाकिस्तानीज है उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जिस हिसाब से नॉन पाकिस्तानीज या अलग देशों के लोगों को मिलता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।